हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जीरोडाल एमआर टैबलेट के बारे में, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बिकता है दवा। इस वीडियो में जानेंगे जीरोडाल एमआर टैबलेट का यूज किस परेशानी में करते हैं और इसका डोज कितना होता है, कितने दिन तक चलता है, और जानेंगे इसको लेने के बाद किसी किसी में क्या साइड इफ़ेक्ट दिखता है, और लास्ट में जानेंगे इसको लेने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बन रही वीडियो में अंत तक। आइए बात करते हैं जीरोडाल एमआर टैबलेट के बारे में। तो यह इप्का कंपनी का दवा आता है और ये आपको मार्केट में मिल जाता है 98 रुपये में 10 टैबलेट, जो कि 10 रुपये में लगभग एक टैबलेट पड़ता है आपको। बात करें कंपोजिशन का, तो इसमें सेक्लोफेन जो कि नॉन स्टेरॉयल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यह दर्द में काम करता है और सूजन में काम करता है। और इसमें सेकेंड कंपोजिशन है टीजानिडिन 2 mg, जो कि यह एक तरह का शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दवा है, जो कि काफ़ी फास्ट एक्शन करता है, जो कि मसल को रिलैक्स कर देता है दर्द में। इस दोनों का काम था। अब जान लेते हैं इसका यूज किस परेशानी में करते हैं। तो इसका यूज जैसे कि जोड़ों को दर्द में करते हैं, कमर दर्द में करते हैं, घुटनों में दर्द रहता है उसमें करते हैं, अगर कहीं मोच आ गया है उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं, और गर्दन अकड़ गया है, एक तरह हो गया है दर्द के मारी, उसमें इस्तेमाल करते हैं, और जैसे कि कहीं चोट वोट लग गया है और सूजन हो गया है, दर्द काफ़ी है, उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जो कि काफ़ी जल्दी आराम देता है, इसमें जो कि एक सेक्लोफेन है जो कि दर्द को कम करने का काम करता है और सूजन को कम करने का काम करता है, और टीजानिडिन है एक तरह का अगर मसल कहीं स्पॉम हो गए हैं तो उसको रिलैक्स करने का काम करता है, जो कि काफ़ी फास्ट दर्द को आराम करने में ये काफ़ी मददगार होता है। बात करें तो ये आपको कहीं भी अगर दर्द हो शरीर में, मोच से हो गया है, चोट लग गया है, या इस तरह से कहीं दर्द हो गया है, तो इसमें ये डॉक्टर चलाते हैं और फ़ायदा मिलता है। बात करें इसका डोज कितना होता है, तो इसका डोज बड़े व्यक्ति में 20 साल से जो ऊपर वाले रहते हैं उनमें खाना खाने के बाद एक टैबलेट सुबह टैबलेट शाम को चलाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, और मिनिमम जैसे 1 से 2 टैबलेट खाने के बाद दर्द आराम हो जाता है तो बंद कर दिया जाता है, और ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ये डॉक्टर के हिसाब से चलता है, डॉक्टर देखते हैं कितना परेशानी है उसके हिसाब से इसको दवा चलाते हैं उतने दिन तक। तो आपसे निवेदन है कि आप कभी भी इसको लेने की सोचें तो आप डॉक्टर के निगरानी से लें, क्योंकि दर्द का दवा है, डॉक्टर चेक करेंगे उसके हिसाब से कितना दिन खाना होगा और मरीज का कंडीशन किस तरह है, उस तरह डोज बनाते हैं और उस तरह बेहतर रहता है। अब जान लेते हैं प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए। प्रिकॉशन ये है कि इसको लेने से पहले डॉक्टर से एक बार दिखाकर तब लें, और 20 साल से कम वाले उम्र वाले व्यक्ति इसको ना लें, और कोई व्यक्ति को लीवर किडनी हार्ट ऐसी समस्या है तो उनको देने से पहले डॉक्टर से राय लेके तब दें, और कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फीडिंग करा रही है तो उनको भी देने से पहले डॉक्टर से राय लेके तब दें, और जैसे कि किसी तरह का एलर्जिक प्रॉब्लम है जैसे कि इस कंपोजिशन से या सेक्लोफेन और टीजानिडिन से, तो इसे ना लें, लेने से पहले डॉक्टर से राय लेके तब लें। ये सब प्रिकॉशन है, और ये रही पूरी जानकारी जीरोडाल एमआर टैबलेट के बारे में। उम्मीद करते हैं आज अच्छा लगा हो आपको, अच्छा लगा था वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके, इस तरह से हर रोज़ वीडियो मिलता है मेडिकल से रिलेटेड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।